जय श्री कृष्णा। मैं शाली सोनी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाती हूँ कि हर डिसेबिलिटी के अंदर एक एबिलिटी होती है। ये लोगों की मानसिकता बन जाती है कि ये इंसान डिसेबल है या इस इंसान के अंदर कोई कमी है, तो वो कैसे कोई अपने लाइफ में कोई काम कर सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। जो भी उनकी मानसिकता है, वो उनकी अपनी सोच है। हर किसी का अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि किसी भी इंसान के अंदर कोई अगर शारीरिक कमी है या कोई फिजिकली एबिलिटी है, डिसेबिलिटी जो भी आप कहना चाहें, तो यार ये उनकी अपनी लाइफ है। वो अपनी लाइफ में किस तरह से काम करते हैं, उनके काम करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, वो उनके काम करने का तरीका और लोगों से थोड़ा सा अलग होता है। वो अपने हिसाब से अपने तरीके से काम करना चाहेंगे, जैसे उनकी सुविधा होती है या जैसे उनकी सहूलियत होती है। मेरे अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो मैं अपने हर काम अपने तरीके से करना चाहती हूँ या करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि किस काम में मुझे ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी होती है और किस काम में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो हर कोई अपने अनुसार ही अपनी लाइफ को स्पेंड करता है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और जिन लोगों की मानसिकता ये होती है, उनकी मेंटलिटी ये होती है कि भाई इनके अंदर कोई कमी है तो ये कुछ कर नहीं सकते या इनको नहीं करना चाहिए, तो ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए ही बोलूँगी कि ये उन्हीं लोगों के लिए है जो इस तरह की मेंटलिटी को अपनाते हैं। हर किसी का अपना अपना नज़रिया होता है। कोई लोग सोचते हैं कि भाई अगर इनके अंदर ये एबिलिटी है तो इस काम को ये बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं और लोगों के कंपेयर में। तो इसलिए मेरा तो सिर्फ यही मानना है कि कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे इंसान के साथ नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई आपको मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा है इस चीज़ को बार बार बोल कर या इस चीज़ को शो करके, बार बार इस चीज़ को दिखा कर कि भाई आपके अंदर एक कमी है, आप ये कर नहीं सकते हो, तो ठीक है यार, हमारी लाइफ है ना, हमें पता है ना कि हम क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। आप लोग क्यों इतनी टेंशन लेते हो? तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसलिए लोगों की बातों को इग्नोर करके ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और हमें अपने तरीके से ही जिस काम में हमें सुविधा है वैसे ही काम करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के मुताबिक तो अपनी ज़िंदगी को नहीं काट सकते ना। हमारे को पता है ना कि हमारे को प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, किस किस प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है, या उन प्रॉब्लम्स का सलूशन हमें ही पता है कि हम किस तरह से निकाल सकते हैं। काम हम सारे ही कर सकते हैं, बट बस यही है कि थोड़ा सा हमारा करने का तरीका अलग होता है। और जो नॉर्मल लोग हैं उनके लाइफ तो होती ही ऑब्वियसली अलग है, उनका काम करने का तरीका डेफिनेटली पाते कि भाई अलग ही होगा। तो इसलिए मैं अपने को कभी भी किसी और से कंपेयर नहीं करती हूँ। मुझे पता है कि मैं कैसा काम कर सकती हूँ। अभी एक फॉर एग्जांपल, ये अब जैसे एक फोल्डिंग है, कहने को तो एक बहुत छोटा सा काम है किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए। इसको फटाफट खोलेंगे और उसको ओपन करके करेंगे तो इस तरह से करेंगे अपने अनुसार। पर मुझे पता है कि मुझे अपनी जो मतलब मेरे अंदर जो डिसेबिलिटी है, ठीक है ना, अगर मैं उसको ध्यान में रखकर कोई काम करती हूँ तो इससे क्या है, मेरे ऊपर या मेरे लाइफ में जो रिस्क है मेरे इंजरी होने के या मेरी चोट लगने के या मेरे स्लिप होने के, वो मुझे पता है कि कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं जो भी काम करती हूँ अपनी सहूलियत के हिसाब से करती हूँ। मैं लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, इग्नोर करती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता या मेरे बारे में कोई क्या बोलता है, मुझे पता है कि मेरी लाइफ कैसी है। और मैं उसको जितनी भी मेरी अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो मेरी पर्सनल हैं, उनको मैं खुद ही फेस करती हूँ, उनको सोल्यूशन भी मैं खुद ही निकालती हूँ। इसलिए तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 मेरी लाइफ कैसी है, क्या है, कैसे है, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और फ्रेंड्स, ये तो लाइफ है, लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। ज़िंदगी में कभी कुछ कभी कुछ, कभी दुख है कभी सुख है, जो भी है हमें काटना तो पड़ेगा, लाइफ है। तो और इस लाइफ को हम कैसे काटते हैं ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। चाहे तो हम इसको उदास होकर काट सकते हैं, चाहे तो हम खुश होकर काट सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अपनी लाइफ है तो खुशी खुशी ही काटनी चाहिए। और यार प्रॉब्लम्स हैं तो उसके सलूशन भी होंगे। भगवान ने अगर हमको कुछ ना कुछ कमी दी है हमारी लाइफ में तो उनका समाधान भी हमारे ऊपर ही दिया है भगवान ने। तो बस यही है, छोटी सी लाइफ है, इसको हंस के खुशी खुशी जिए। और इस तरह से मैंने दिखाया है कि मेरी लाइफ में कभी भी कोई डीमोटिवेट वाला अगर ऑप्शन होता है, कभी माइंड में कोई थॉट्स आते हैं डीमोटिवेट वाले, तो मैं उनको हाँ कुछ समय के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यार ज़िंदगी है ऐसी क्यों है, इतनी टफ ज़िंदगी है,
हम अपनी लाइफ में ऐसे कैसे मतलब फेस कर रहे हैं सिचुएशन को, बट फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा जब मैं किसी और को देखती हूँ जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और ऐसे लोगों को देखती हूँ कि लोग मतलब अपनी डिसेबिलिटी के साथ भी इतनी अच्छी लाइफ स्पेंड करते हैं, खुशी खुशी अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, कभी कोई कंप्लेन नहीं करते हैं, तो फिर मुझे थोड़ा सा उनसे मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है, उनका नाम है ज्योति हारी, वो भी बहुत अच्छे हैं और उनके भी डिसेबिलिटी है, बट ये उन्होंने कभी भी अपनी डिसेबिलिटी को अपनी लाइफ में आगे नहीं आने दिए और वो बहुत ही मतलब मोटिवेट होकर वीडियोस भी बनाते हैं और मैं उनकी वीडियोस काफ़ी अच्छे से प्रेफर करती हूँ, देखती हूँ, शेयर करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार हमारे ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी डिसेबिलिटी को अपने आगे नहीं आने देते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से जीते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूँगी कि लाइफ है तो खुशी खुशी उनको स्पेंड करो, बस यही है। उम्मीद है आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।